दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन शेयर मार्केट के किंग की। इनको द वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जी हाँ, सही पकड़े। हम बात कर रहे हैं राकेश झुंझुनवाला की, जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके 50,000 करोड़ रुपए तक का सफर तय किया है। और आज उनकी पावर इतनी है कि अगर वो चाहे तो मार्केट एक मिनट में उथल पुथल कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स उन्हीं के नक्शे कदम पर स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं। राकेश झुंझुनवाला इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में से एक है। आज के टाइम में वो दुनिया के 53rd रिचेस्ट पर्सन है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे राकेश झुंझुनवाला ने 5,000 रुपए से 50,000 करोड़ रुपए तक का सफर तय किया। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। बात करें राकेश झुंझुनवाला के जन्म की, तो इनका जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पापा एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, जिन्हें शेयर मार्केट में भी काफी दिलचस्पी थी। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें करते रहते थे। तभी एक दिन जब राकेश 14 साल के थे, तब उन्होंने अपने पापा से पूछा कि पापा शेयर मार्केट क्या होता है। तब उनके पापा ने उन्हें कहा कि शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, तुम रोज अखबार पढ़ा करो, उसमें हर रोज अलग अलग कंपनियों की जानकारी मिलेंगी। शेयर मार्केट में पैसे डालने से पहले हमें कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड ये सीख राकेश के लिए पहली सीख थी। धीरे धीरे जैसे जैसे राकेश की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी रुचि शेयर मार्केट में भी बढ़ती गई। उनके पापा के बताने के बाद से वह हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते और अलग अलग कंपनियों के बारे में जानने लगे। उसके बाद जब उन्हें शेयर मार्केट की नॉलेज हो गई, तब उन्होंने अपने पापा से शेयर मार्केट में आने की रुचि जताई, लेकिन उनके पिता ने उन्हें तभी मना कर दिया। उन्होंने राकेश से कहा कि पहले अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद तुम जो चाहे वैसा करना। उसके बाद राकेश ने अपनी ग्रेजुएशन की और 1985 में वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। इस समय राकेश ने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब समय था मार्केट में आने का, लेकिन उस वक्त मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्होंने पहला इन्वेस्ट 5,000 रुपए से शुरू किया था। उस वक्त बीएससी सेंसेक्स 150 अंक पर था। उसके बाद उन्होंने अपना पहला प्रॉफिट 1986 में कमाया, और वो कैसे कमाया आइए मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने टाटा टी कंपनी के 5,000 शेयर्स 43 रुपए प्रति शेयर के रेट से खरीदे और इसे सिर्फ 3 महीने बाद ही 143 रुपए पर शेयर के रेट से बेच दिए, जिसकी वजह से उन्हें 5,00,000 का प्रॉफिट हुआ था। ऐसे ही आगे भी उन्होंने 1986 से 1989 तक करीब 25,00,000 रुपए कमा लिए थे, और उसके कुछ साल बाद ही उनकी प्रॉपर्टी करोड़ों में आ गई। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ 2002 से 2023 में आया, जब उन्होंने टाइटन कंपनी के 6,000 करोड़ के शेयर्स को 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदा था। बाद में उसका रेट 390 हो गया, जिसकी वजह से राकेश को 2100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहे हैं, उन्होंने मार्केट में बहुत बड़े बड़े लॉस भी झेले हैं। आइए बताते हैं। दिसंबर 2011 में राकेश ने कई बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था। उनमें से ज्यादातर कंपनियों के शेयर बहुत तेजी से नीचे गिरे थे, जिसकी वजह से उनके शेयर्स के रेट भी 30% तक गिरे थे। लेकिन उन्होंने अपनी नॉलेज की वजह से फरवरी 2012 में सारा लॉस कवर कर लिया था। आज के समय में राकेश झुंझुनवाला की नेटवर्थ 50,000 करोड़ रुपए है। राकेश झुंझुनवाला का एक ही मंत्र है, बाय राइट एंड होल्ड टाइट। सही शेयर खरीदे और उसे धैर्य के साथ होल्ड करें, क्योंकि शेयर मार्केट में जल्दीबाजी करने से लॉस होता है। आपको बता दें, राकेश झुंझुनवाला इन्वेस्टर के साथ साथ एप्टेक लिमिटेड एंड हंगामा डिजिटल मीडिया के चेयरमैन भी है। उन्होंने की एंड का, इंग्लिश विंग्लिश और शमिताब जैसी मूवीज को प्रोड्यूस भी किया है। राकेश झुंझुनवाला ने अपने काबिलियत और मेहनत की वजह से कई बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं। हमें उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको राकेश झुंझुनवाला की, या यूं कहूं कि वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया की छोटी सी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।